नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष ग्रोवर। जिस तरह उत्तराखंड सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है, जिस तरह कर्फ्यू 28 तारीख से 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बाद आज हम बात करते हैं पूरन सिंह राणा जी से, जो रुड़की ASDM है, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है, जो दुकान खोले हुए हैं, और जानेंगे कि उत्तराखंड की तरफ से जो SOP जारी की गई है उसके बारे में जानेंगे। सर, स्वागत है न्यूज उत्तराखंड समाचार में। थैंक यू सर। किस तरह की, जिस तरह उत्तराखंड की तरफ से SOP जारी की गई है, क्या है सर पूरा? अरे देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो DM सर के द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं, उसमें 28 से 3 तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू घोषित किया गया है, और उसमें साथ साथ कुछ चीज़ों के लिए लोगों को रिलीफ दिया गया है, जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे फल है, सब्जी है, और किराना स्टोर है, और इसके अलावा मेडिकल स्टोर है, एंड सप्लाई तैयारी जो रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर छूट दी गई है 4 o'clock तक। बाकी इसके अलावा अन्य जो भी चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेगी, और अगर कुछ फंक्शन इत्यादि है लोगों के, मैरिज वगैरह है, तो उसमें 50 लोगों को अलाउ किया गया है, और उसमें भी परमिशन लोग लेंगे प्रशासन से। तो जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ ये है कि एक तो व्यापार मंडल इत्यादि के द्वारा भी पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है, और आज सभी मार्केट का मेरे और CEO साहब के द्वारा विजिट भी किया गया है, और जो लोग अनावश्यक रूप से मार्केट में घूम रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट नहीं करवाया है, ऐसे लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, और एक सख्त डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि 45 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो इमीडिएटली अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, और 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के जितने भी हमारे लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन करने का ड्राइव चल रहा है, तो लोग अपने आप को उसमें रजिस्ट्रेशन। नगर निगम की बात करें तो 4 बजे के बाद जैसे आज टाइम रखा गया है, फल मार्केट पर देखे तो बिना मास्क के लोग फल, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी सर? नहीं, इसमें देखिए 2-4 आज गाड़ियाँ भी सीज की गई है, और कई लोगों के चालान भी किए गए हैं, और कुछ लोगों को मास्क इत्यादि भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो लोगों से एक सहयोग की अपील भी है, और जो लोग गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ ASDM पूरन सिंह राणा जी। तो साफ तौर से इनका कहना है, अगर सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे और उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मेरे सहयोगी पुनीत रोहिला के साथ मैं मनीष ग्रोवर, न्यूज़ उत्तराखंड समाचार रुड़की।